वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं पार्लर जा रही हूँ, तो मैं पार्लर से होके आ चुकी हूँ। वहाँ से आके फ्रेश व्रेश होके नहा धो के खाना वाना खा के अब ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे मुझे शाम को एक जगह मार्केट भी जाना है अभी, तो शाम को भी मैं मार्केट जाऊँगी, बट वो अराउंड 6:30-7 o'clock के आसपास जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है। तो इसीलिए मैंने जो रात को डिनर बनेगा वो अभी प्रिपेयर कर लिया है। बैंगन का भरता बना लिया है और रोटी गरम गरम बना लूँगी, सिंपल खाना है, दैट्स इट। तो बैंगन का भरता मेरा बन चुका है, जब रोटी खाएंगे तब गरम गरम रोटी मैं बना लूँगी। तो अभी बारी है थोड़ा सा रेस्ट करने की, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आफ्टरनून नैप जब तक ना लूँ ना, तो बॉडी से थोड़ी ना थकावट सी लगती है। तो इसीलिए अब मुझे नींद आ रही है, तो एक घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठ के मार्केट जाऊँगी। खाना मेरा ऑलरेडी बन चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया है। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक जाके आप लोग मेरा नॉर्मल सिंपल बैंगन का भरता वाला रेसिपी देख के आ जाइए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इवनिंग में मिलती हूँ, ठीक है। भरता बनाने के लिए हमने दो बैंगन को ना मैंने ऐसे गैस में पहले उसको जला लिया था, बीच में से उसको कट लगा दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया था। उसके बाद मैंने मसाला उसमें सिर्फ प्याज टमाटर और लहसुन, दो लहसुन को काट के डाला था। अब तेल गरम होते ही मैंने इसमें फिर डाल दिया हल्का सा जीरा, तेल थोड़ा सा ना ज़्यादा गिर गया मुझसे इसमें, बट अब कुछ कर नहीं सकती मैं। तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा, जीरा जैसे ही थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए जो दो लहसुन मैंने छोटे छोटे काटे थे, मैंने वो डाल दिया। थोड़ा सा लहसुन जैसे ही हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक उसको भून लेंगे। प्याज भी हमारा हो ही गया है, अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं ये कुछ मसाले, ड्राई मसाले, नमक, जीरा, हल्दी और मिर्ची पाउडर ये ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं एक इसमें मैगी मसाला ऐड करूंगी। मैगी मसाला मैं हमेशा बैंगन के भरते में ऐड करती हूँ, उससे ना थोड़ा सा स्वाद अलग सा हो जाता है, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैगी मसाला ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। पहले मसाला भी ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी वो जो हमारे दो मैंने बैंगन जलाए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको बस अच्छे से हल्की अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, देन ये अपने आप ही हो जाएगा। पाँच सात मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के इसको हाई फ्लेम में अच्छे से भून लिया है और ये बन भी गया है। तो ये आज का हमारा डिनर है, भरता एंड रोटी। तो अब गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो चलो फिर अब हम जा रहे हैं मार्केट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, आफ्टरनून नैप, फिर मैं चलूँगी मार्केट। तो अभी मार्केट जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी चलिए, देखती हूँ। वैसे तो दो तीन बार ऑलरेडी मार्केट जा चुकी हूँ, बट आज नियरेस्ट ही सेंट्रल मार्केट है, वहाँ जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही। तो चलिए फिर मार्केट से आती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, क्या लाई क्या नहीं लाई। वैसे तो मेरे को कुछ लाना नहीं है, मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, फिर भी देख लेती हूँ। तो फिर मार्केट से आती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, ठीक है। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. तो ये देखिए मेन रोड में बिल्कुल लाइटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे रामलीला होता है तो इसीलिए लाइटिंग की है, और थोड़े से झूले वूले लगते हैं, पर अभी तक हम आए नहीं हैं, देखते हैं कब टाइम मिलेगा, कब आते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सब डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। तो मैंने मार्केट से आने के बाद आइस फेशियल किया है। मैं वैसे भी हमेशा एक दो आइस तो अपने फेस में रब करती हूँ दिन में, बट इस बार मैंने अपने फेस को आइस वाटर में डिप किया था। इससे जो फेस की स्वेलिंग, रेडनेस और ईचिंग वगैरह या पिंपल्स होते हैं ना, वो एकदम से तो ख़त्म नहीं होते, बट बहुत आराम मिलता है उसमें। तो मैंने ये वाली रेमेडी फ़र्स्ट टाइम की है। वैसे मैं आइस रब तो हमेशा करती हूँ, बट ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया एंड रियली मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, मैं दोबारा करूँगी इसको।
और मैं पता है ये सोच रही हूँ, मैं एक सेकंड भी फेस को डिप तो नहीं कर पा रही थी उसमें। मैं ये सोच रही हूँ खतरों के खिलाड़ी में जो लोग आ रहे हैं वो अपने मतलब जो वाटर स्टंट होता है वो कैसे इतनी देर वाटर में रह लेते हैं। मैं तो एक सेकंड भी वाटर में नहीं रह पा रही, अपने फेस को एक सेकंड भी वाटर में सांस ही नहीं ले पा रही थी। मतलब पता नहीं वो कैसे स्टंट करते होंगे, खैर जो भी हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। अब मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था, एकदम फ्रेशनेस वाली फीलिंग आ रही थी। तो कल मैं दोबारा से ट्राई करूँगी इसको। इसमें सोच रही हूँ कल कुछ और ऐड कर दूँ, जैसे लेमन वगैरह कुछ ऐड करूँगी कल, तो कल दोबारा से ट्राई करूँगी। अभी तो रात हो गया था तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपने फेस को आइस वाटर में डिप किया, बट रियली मतलब फीलिंग गुड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, तो मैं बता दूं ये जो सोफ़ा के नीचे है ना उसको एक बेडशीट से कवर कर रही हूँ, क्योंकि एली ने जो इसका प्लाई था ना वो आधा च्यू करके बेकार कर दिया है, और वो च्यू कर रही है उसके लिए भी हार्मफुल है और ये भी बेकार हो रहा है। तो इसीलिए हमने नीचे एक ऐसे कपड़ा लगा के टेम्प्रेरी इसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यही था बस मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में एक फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो मेरे चैनल पर भी नया है वो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय। और कल मैं एक बार बता दूँ, कल मैं गई थी पार्लर और आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर कट के लिए। तो चलिए फिर फटाफट से घर का काम फिनिश करते फिर चलते हैं, एक न्यू हेयर कट लेके आते हैं अपना, क्योंकि और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, सिर्फ 2 दिन है, तो आज हेयर कट का काम भी फिनिश कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक फ्रेश एंड न्यू एपिसोड में नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।